हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सी एस सी टट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन एडवांस जावा और आज हमारा टॉपिक है JDBC, जिसके अंदर आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ JDBC की, क्या होता है JDBC, उसके ड्राइवर के टाइप्स, JDBC ड्राइवर्स के टाइप्स, एंड अगर हमें JDBC हमारे कंप्यूटर में रन करना है, प्रोग्राम उसके बनाने हैं, तो हमें क्या क्या कन्फिग्रेशन करने पड़ेंगे, तो वो सारा सेटअप भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ JDBC? JDBC बेसिकली है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं? उसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हैं हमारे प्रोग्राम में, वो होती है जावा में। मतलब हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा डेटाबेस है वो जावा लैंग्वेज नहीं समझता। जो डेटाबेस है वो समझता है SQL, ठीक है। तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो हमारे जावा में जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी है डेटाबेस के लिए, उसको कन्वर्ट करे ऐसी लैंग्वेज में जो डेटाबेस समझ सके। जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग में होता है कि आप सी में या जावा में कोड लिखते हो तो वो हायर लेवल लैंग्वेज में होता है, आप इंग्लिश में कोड लिखते हो, लेकिन हमारा मशीन जो है, लैपटॉप कंप्यूटर है, वो ये लैंग्वेज नहीं समझ पाता, उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। तो आपके पास एक कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, तो वो क्या करता है कि आपके हायर लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जो काम कंपाइलर करता है, कुछ ऐसा काम ही यहाँ पर JDBC का है कि जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो ड्राइवर है, वो आपके जावा के कोड को ऐसे कन्वर्ट करेगा ताकि आपका डेटाबेस उसको समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक डायग्राम दिखाया है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो। तो यहाँ पर सिंपल हमारी जावा एप्लीकेशंस हैं, तो बीच में JDBC ड्राइवर होता है और ये हमारा डेटाबेस है। तो कुछ नहीं होता, ये जो जावा का कोड है वो यहाँ JDBC ड्राइवर में पास होता है, जो डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए हम लिख रहे हैं वो इसको कन्वर्ट करता है, डेटाबेस को देता है, डेटाबेस उसको समझ के जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो दे देता है, सिंपल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि JDBC क्या है, एक ब्रिज है जावा एप्लीकेशन और हमारे डेटाबेस के बीच। मान लो हमारा डेटाबेस यहाँ पर ओरेकल है, तो मैंने ओरेकल का एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये क्या करेगा JDBC कि हमारी जावा एप्लीकेशंस को कनेक्ट करके रखेगा ओरेकल से, ताकि हम आसानी से डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें। तो ये पर्पज़ होता है JDBC का। अब यहाँ पर ये जो JDBC ड्राइवर्स हैं उसके कई सारे टाइप्स हैं। अब यहाँ पर मेनली चार टाइप हैं। फर्स्ट JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, सेकंड नेटिव API ड्राइवर, उसको पार्शियली जावा ड्राइवर भी बोलते हैं, थर्ड होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, वो फुल्ली जावा ड्राइवर हो, और थिन ड्राइवर जो फुल्ली जावा ड्राइवर है। अब ये पार्शियली फुल्ली जावा ड्राइवर इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। जो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर है वो टोटली आउटडेटेड है, इसका यूज़ बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये जावा में नहीं लिखा गया है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी लो है। तो इसके लिए इसको डिस्करेज कर दिया गया है, डिप्रिशिएट करके दिया गया है कि आजकल इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर को। सेकंड है नेटिव API ड्राइवर, ये पार्शियल जावा ड्राइवर है। देखिए ये पार्शियल जावा ड्राइवर क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारा जो रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस के लिए, हमारे जावा कोड में से हम कहते हैं कि सपोज़ मान लो कि मुझे सिलेक्ट क्वेरी रन करनी है, तो हम क्या करते हैं जावा की एप्लीकेशन में से डेटाबेस को कहते हैं कि ये डेटा मुझे चाहिए। तो ये जो रिक्वेस्ट होती है उसको ये कन्वर्ट करता है नेटिव API कॉल में। देखिए यहाँ पर लिखा है द नेटिव API ड्राइवर यूज क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस, दिस ड्राइवर्स कन्वर्ट JDBC मैथड कॉल इंटू नेटिव कॉल। अब ये नेटिव का मतलब क्या है, नेटिव मतलब क्या कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसी चीज़, जैसे कि ऐप्स में होता है, आप देखते हैं ना कई बार सुनते हैं कि नेटिव ऐप्स अपने फ़ोन के लिए, तो उसका मतलब क्या है कि वो ऐप बनाया गया है सिर्फ एक कोड से और वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, लाइक एंड्रॉयड iOS, तो हर एक के लिए अलग अलग कोड नहीं किया उन्होंने एक ही कोड किया और वो एप्लीकेशंस हर एक मशीन पे चलती है। तो ऐसी जो होती है एप्लीकेशन उसको हम बोलते हैं नेटिव एप्लीकेशन। तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर नेटिव API है कि यहाँ पर होता क्या है कि
जो क्लाइंट मशीन है जहाँ पर आप अपना सॉफ्टवेयर रन करवा रहे हो, अपना जावा का प्रोग्राम, वहाँ पर ये कुछ अपनी लाइब्रेरीज रखता है। वो लाइब्रेरीज क्या करती है कि जावा के कोड को अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देती है डेटाबेस कोड में, ठीक है। तो इसलिए ये पार्शियल है कि ये कोई स्पेसिफिक जावा में कम्प्लीटली नहीं है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी लाइब्रेरीज वहाँ पे बनाता है और उसको कन्वर्ट करता है। सो ये है नेटिव एपीआई ड्राइवर, तो इसलिए उसको कहते हैं पार्शियल जावा ड्राइवर। और बाद में आया नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, जो कि ये फुल्ली जावा ड्राइवर है, कि ये प्योरली जावा में ही लिखा गया है। लेकिन ये भी अभी ये जो ऊपर की तीन है, JDBC, ODBC, नेटिव एपीआई, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये तीनों आजकल बहुत कम यूज़ होते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है थिन ड्राइवर, फुल्ली जावा ड्राइवर, और इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये चार आप पढ़ सकते हैं, मैं ये नोट्स डालने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, आप पढ़ सकते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। मैं इसमें अब ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा, मेरा पर्पज़ था JDBC आपको समझाने का, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में हमें क्या क्या सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है netbeans.org पे, आपके पास netbeans होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखिए कौन सा netbeans, क्योंकि आप netbeans पे जाएंगे और डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको ये ऑल वाला डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप ये जावा SE वाला करेंगे तो उसमें आप एडवांस जावा के बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, इंक्लूडिंग JDBC। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है ये ऑल वाला। ये जावा ई यूज़ करोगे तो JDBC हो जाएगा, लेकिन इसमें और ये ऑल वाले में साइज़ का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 30 MB का डिफरेंस है। सो बेटर है कि आप ऑल वाला डाउनलोड कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई और एप्लीकेशन के लिए काम करना है, जैसे कि जावा ME के लिए काम करना है, PHP पे काम करना है, या C++ के कोई काम आ गया आपको, या फिर जावा कार्ड पे काम करना है, तो आप कर सकते हो ऑल का है तो। और ये सिर्फ 221 MB का है, तो यहाँ से आपको ये ऑल वाला डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करोगे इसका एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल कर देना है। अब दूसरा हमारे पास चाहिए कुछ डेटाबेस को मैनेज करने वाला, तो उसके लिए आपको जाना है sqlitebrowser.org पर। ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ वीडियो के, नेटबिन्स के लिए भी और ये डेटाबेस के लिए भी। तो यहाँ पर आपको sqlitebrowser.org पे जाना है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी लिंक है, तो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पर आप क्लिक करोगे। देखिए विंडोज़ के लिए है और मैक के लिए भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है तो एक exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर देना है। तो ये दो चीज़ आपको चाहिए होगी, नेटबिन्स और ये DB ब्राउज़र फॉर SQLite। बेसिकली हम हमारे थ्रू आउट पूरी JDBC में SQLite डेटाबेस का यूज़ करने वाले हैं, तो आपको ये चाहिए DB ब्राउज़र फॉर SQLite। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और ये कुछ डाउनलोड कर देने के बाद ऐसा दिखेगा DB ब्राउज़र फॉर SQLite। अगर ये डेस्कटॉप पे क्रिएट नहीं हुआ है शॉर्टकट, तो आपको स्टार्ट मेनू में ढूंढना है DB ब्राउज़र फॉर SQLite। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू डेटाबेस में, और मैं अभी यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल SQLite डेटाबेस, ओके। और यहाँ पर मैं एक डेटाबेस का नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ही रख देते हैं, चलो एग्जांपल, और सेव। तो ये मुझे पूछेगा आपको अंदर कोई टेबल बना है, तो मैं टेबल एक बना के रखता हूँ स्टूडेंट नाम का, ठीक है। उसमें फील्ड हम ऐड करते हैं SID, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, प्राइमरी की देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। दूसरा एक फील्ड डाल देते हैं स्टूडेंट नेम, उसका टाइप हम कर देते हैं टेक्स्ट, और ये नॉट नल होना चाहिए, मतलब इसको नल नहीं रख सकते अगर डेटाबेस में से कुछ इंसर्ट करना है तो, और ओके क्लिक करते हैं। तो ये हमारा टेबल बन चुका है स्टूडेंट नाम का। अगर आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि SID और SName नाम के दो फील्ड हैं। अब इसमें अगर आपको ब्राउज करना है तो देखिए आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने DB ब्राउज़र फॉर SQLite बना दिया, एक डेटाबेस क्रिएट किया एग्जाम्पल नाम का, और उसके अंदर एक टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की। तो ये आपको करके रखना है, नेक्स्ट वीडियो से हम JDBC को
और अच्छे से समझने वाले हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ आपको करना है। नेटबीन्स में ये ऑल वाला डाउनलोड करना है और ये एसक्यूलाइट ब्राउज़र डाउनलोड करना है और इसकी साइज़ करीब 15 MB के आसपास होगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये जो एसक्यूलाइट ब्राउज़र है वो, और नेटबीन्स करीब 220 MB का है। तो ये दोनों कर दीजिए, डेटाबेस क्रिएट कर दीजिए यहाँ पर जाके, न्यू डेटाबेस में जाके, और एक टेबल बना दीजिए स्टूडेंट नाम का। और नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे JDBC के प्रोग्राम्स के लिए। तो नोट्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो, उसमें आप ये पूरा देख पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये काम पूरा कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।